हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिजाइन पुल में। आज मैं आपके साथ एक बैक ब्लाउज डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसकी लंबाई जो मैंने रखी है 13.5 इंच है, चौड़ाई 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्म होल की भी 5.5 इंच रखे हैं, गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ, 2.5 आप अपने अकॉर्डिंग 2.5-3 जितना आप कुछ ये मार्क ले सकते हैं। नीचे की साइड से 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। दोनों मार्किंग को बराबर करते एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब गले की लेंथ लेंगे, तो गले की लेंथ में देखिए 11 इंच रख रहे हैं, 11 इंच यहाँ से मार्क कर देंगे बिल्कुल बराबर में, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब ऊपर की साइड डिजाइन करने के लिए मैं 2.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ, यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से देख लीजिए, मैं इस तरीके से मार्क करके ट्रायंगल मॉडल में डिजाइन का मार्क कर दूंगी। अब ऊपर की साइड से राउंड नेक की मार्किंग कर लेंगे। ये गले की पूरी मार्किंग हो चुकी है, इसकी सेम कटिंग कर देंगे मार्क के ऊपर से ही। ठीक, देखिए मैंने गले की पूरा कटिंग अच्छे से कर दिया। इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक ले लिए, इसकी भी कटिंग सेम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी अस्तर का किया है। तो इक्वली दोनों का कटिंग कर दीजिएगा। अब इसके साथ में ब्लाउज का मेन फैब्रिक जो लिए हैं दोनों को इक्वली फैला लेंगे। तो मैंने फैला दिया एक दूसरे के साथ में, इसकी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए अस्तर फैब्रिक दोनों को मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ इक्वली मिला के। इस तरीके से आपको स्टिच करते दोनों फैब्रिक को एक साथ में अटैच कर लेना है। तो जिस तरीके से गले का डिज़ाइन है आपको क्लियर वीडियो में समझ में आ रहा होगा मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ, इसी तरीके से आपको सिलाई भी करनी है। ठीक, कम्प्लीटली मैंने इस पर सिलाई अच्छे से लगा दिया है। बीच से इसको क्या करेंगे, पार्ट जो इसको कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें से निकाल देंगे और छोटे छोटे कट पूरे गले पे लगा देंगे। जो स्टिचिंग करने के बाद फैब्रिक बचा हुआ आगे की साइड वहाँ पे कट लगाइएगा, जो कॉर्नर है उनको अच्छे से कट लगा दीजिएगा। अब पलट कर इसको सीधा कर देंगे और ये कॉर्नर वाले डिज़ाइन को अच्छे से सीधा कर लीजिएगा। तो दोनों को प्रेस करते हुए सीधा कर देंगे। तो मैंने देखिए इसको इक्वली पूरा सीधा कर दिया, हाथों से प्रेस करके बराबर में कर लेंगे। अब इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे। कि मैंने देखिए कम्प्लीटली गले की फिनिशिंग कर दिया है। अब ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखिएगा और इसके साइड साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों फैब्रिक को एक साथ में अटैच कर दीजिएगा। तो देख रहे मैं कैसे अटैच कर रही हूँ दोनों फैब्रिक को एक साथ में, इस तरीके से आपको अटैच करना है। ये देखिए मैंने पूरा अच्छे से ऑलराउंड स्टिचिंग ब्लाउज की कर दिया है। नीचे के साइड इसके टक्स लगाएंगे तो अच्छे से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हुए पूरा नीचे के साइड से टक्स को लगा दीजिएगा। तो एक साइड मैंने टक्स लगा लिया है, इसी तरीके से दूसरे साइड से फोल्ड करते हुए बराबर में सिलाई लगाते हुए टक्स को स्टिच कर देंगे। ये दोनों साइड से मैंने ब्लाउज में टक्स लगा लिया। नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए मैंने अस्तर का ये फैब्रिक लिया, इसको बराबर नीचे के साइड से रखेंगे और सिलाई लगाते हुए ब्लाउज के साथ में अटैच कर देंगे पट्टी को। ये देखिए मैंने ब्लाउज के साथ में पट्टी को अटैच कर दिया। इसको फैलाएंगे, इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसकी पूरी फिनिशिंग दे देंगे। तो मैंने फिनिशिंग इसका कर दिया है। अब जो पट्टी मैंने ज्वाइंट की है, पट्टी को आपको डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करना है, फिर अच्छे से इसको ब्लाउज के साथ में स्टिच कर देना है। ये देखिए मैंने कम्प्लीटली इसको पूरा अटैच कर दिया है ब्लाउज के साथ में ही। अब इसके गले पे मैं डिज़ाइन करूँगी, तो ब्लाउज साइड रखते हैं और मैंने डिज़ाइन करने के लिए कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट की, इनकी लंबाई चौड़ाई मैंने देखी 2.5 इंच रखा है, 2.5 इंच। इसको क्रॉसिंग में आपको 4 पार्ट में फोल्ड करना है, फिर नीचे के साइड से सिलाई लगाते हुए डिज़ाइन को स्टिच कर देना है। इसी तरीके से जितने डिज़ाइन है सबको आपको बनाना है जैसे मैं बना के दिखा रही हूँ डिज़ाइनों को। मैंने कम्प्लीटली ये बना दिया है, पूरे थ्रेड को कट करके इन डिज़ाइनों को अलग अलग कर देंगे इसको साइड रखते हुए। मैंने देखिए कुछ फैब्रिक और स्क्वायर में लिए हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई जो रखी मैंने 3 इंच के बराबर में रखी है, 3 इंच। इनको 4 पार्ट क्रॉसिंग में आपको फोल्ड करना है इस तरीके से, फिर नीचे के साइड से सिलाई लगाते हुए डिज़ाइनों को अटैच कर देंगे एक दूसरे के साथ में ही।
तो समझ में आपको आ रहा होगा मैं कैसे बना रही हूँ डिज़ाइन। इस तरीके से पूरे डिज़ाइनों को बना लीजिएगा। इनके भी थ्रेड को कट करते हुए सबको अलग अलग कर देंगे। ये देखिए ये भी डिज़ाइन बन के इनको साइड रख के दोनों डिज़ाइनों को ले लेंगे। अब दोनों को मैं एक दूसरे के साथ में इस तरीके से इक्वली बराबर रखूंगी, फिर सिलाई लगा के दोनों को एक दूसरे के साथ में अटैच कर देंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे इसको अटैच कर रही हूँ। इसी तरीके से पूरे डिज़ाइन को अटैच कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली पूरे डिज़ाइनों को अटैच कर दिया। एक्स्ट्रा थ्रेड जो थे कट करके निकाल दिए। डिज़ाइन को साइड रखते हुए ब्लाउज ले लेंगे और ब्लाउज के गले पे मैं डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। जो मैंने अभी डिज़ाइन बनाए थे उनको ले लीजिएगा और ब्लाउज के गले पे इनको इक्वली इस तरीके से बराबर रखेंगे और फिर सिलाई लगाते हुए इसको ब्लाउज के साथ में अटैच कर देंगे पूरा। तो क्लियर वीडियो में समझ में आ रहा होगा मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ ब्लाउज के साथ में डिज़ाइन को। इसी तरीके से आपको पूरे ब्लाउज पे डिज़ाइनों को स्टिच कर लेना है। ये भी देखिए कम्प्लीटली मैंने स्टिच कर दिया है। डिज़ाइन और साइड रखेंगे और मैंने देख लीजिए अब ब्लाउज की गले की डेकोरेशन करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये लेस लिया है। लेस को बिल्कुल बराबर जहाँ से डिज़ाइन को स्टिच किया था उसी जगह से रखते हुए आपको लेस को भी स्टिच करना है गले पे। ये लेस की स्टिचिंग कम्प्लीटली हो चुकी है। अब ये जो मैंने डिज़ाइन बना रखी है बीच का जो डिज़ाइन है यहाँ से एक सो बटन लगा देंगे। तो मैंने ये सो बटन लगा दिया। अगर आप चाहें तो गले पे पूरा लेस भी लगा सकते हैं लेकिन मैं लेस नहीं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा स्टाइलिश दिखेगी गला। और मैंने ये डोरी लिया। डोरी के साथ में दो फैब्रिक स्क्वायर में लिए हैं। इस तरीके से क्रॉसिंग में आपको एक पार्ट में फोल्ड कर देना है फिर डोरी के साथ में इसको अटैच करते हुए फ्लावर बना देंगे स्टिच करते हुए। तो मैं कैसे फ्लावर की स्टिचिंग कर रही हूँ आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद इसको पलट कर सीधा कर लीजिएगा। देखिए एक फ्लावर मेरा बन चुका है। इसी तरीके से दूसरा फ्लावर भी मैं सेम बनाऊंगी तो दूसरे को भी लेंगे। इस तरीके से क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे एक पार्ट में और फिर इसको डोरी के साथ में अटैच करेंगे। बीच में रखते हुए डोरी को फिर सिलाई लगाते हुए इसको अच्छे से स्टिच करते करके डोरी को बना देंगे। ये फ्लावर बन चुका है। इसको पलट कर सीधा करेंगे। देखिए कम्प्लीटली दोनों फ्लावर मैंने बना लिया है। इसको साइड रखेंगे और अब ब्लाउज ले लिए। ब्लाउज गले पे दोनों साइड से डोरियों को अटैच कर दीजिएगा। यहाँ से डोरी को स्टिच करना है आपको फिर डोरी को अच्छे तरीके से बांध लीजिएगा। देखिए मैंने डोरी को बांध दिया गले पे। मेरी ये ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी। अगर डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ जो ऐसा ब्यूटीफुल सिंपल आपको आसान तरीके समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।